जंतर मंतर जयपुर, जयपुर का जंतर मंतर सवाई जय सिंह द्वारा 1724 से 1734 के बीच बनाया गया एक खगोलीय वेधशाला है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस वेधशाला में 14 प्रमुख यंत्र हैं जो समय की जानकारी रखने, ग्रहों की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की स्थिति और उसकी गति को जानने के लिए सौर मंडल के ग्रहों के इंक्लिनेशन को जानने में मदद करते हैं। यहाँ पर बनाए गए यंत्रों की मदद से भारत के लोगों को गणित खगोलिकी के जटिल संकल्पनाओं यानी कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद मिलता था। इससे पता चलता है कि भारत के लोगों के गणित और खगोलिकीय विषयों पर इतनी गहन जानकारी रही है कि उसी की वजह से जंतर मंतर बनाया जा सका और यह काफी एक्यूरेसी के साथ जयपुर का लोकल टाइम बताता है। इसके साथ भारतीय स्टैंडर्ड टाइम को जब ऐड कर दिया जाता तो आज भी हम समय के कैलकुलेशन को देख सकते हैं। जयपुर में पुराने राजमहल चंद्रमहल से जुड़ी एक आश्चर्यजनक मध्यकालीन उपलब्धि है जंतर मंतर। हम इसके एक एक पार्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले हम उस हिस्से में चलेंगे जहां पर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे किस तरीके से यहां पर भारतीय स्टैंडर्ड टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप बीच में इस दीवार को देख सकते हैं, यह दोपहर के 12 बजे के समय को दर्शा रहा है। इसके दोनों दिशाओं में बनाए गए ये चंद्राकार आकृतियां, इन चंद्राकार आकृतियों के द्वारा हम सूर्य के इंक्लिनेशन को, उसकी छाया की मदद से हम वर्तमान समय को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं भारतीय स्टैंडर्ड समय, तो भारतीय स्टैंडर्ड टाइमिंग इलाहाबाद के समय के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हम जयपुर के लोकल टाइम में भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के कैलकुलेशन की मदद ले सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं वर्तमान समय में जो इलाहाबाद का स्टैंडर्ड टाइमिंग है उससे हम भारतीय स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करते हैं और जयपुर का लोकल समय जो भी है उसमें 35 मिनट को और ऐड कर दिया जाए तो हम कैलकुलेशन ऑफ टाइम हम आज का ले सकते हैं। वर्तमान समय में इस समय दोपहर के 12 बजे के बाद का समय है, तो इसलिए हम इस क्लॉक के उस हिस्से में जाएंगे जो आधे दिन के पार का समय होता है। तो हम इस चंद्राकार आकृति के इस इंस्ट्रूमेंट्स के दूसरे हिस्से की ओर हम जाएंगे। यह है लघु सम्राट यंत्र, आप यहां पर देखें जिस तरीके से हमारे घड़ियों के डायलिंग में एक एक घंटे का डिफरेंस होता है, वैसे यहां पर एक एक घंटे के डिफरेंसेस हैं और उसके बीच के पार्ट्स को यहां पर 15 15 15 मिनट में डिवाइड किया गया है। तो एक घंटे के बीच में 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और एक घंटे के समय को पूरा किया गया। इस 15 मिनट के भीतर अगर आप थोड़ा सा जूम करें तो उस 15 मिनट में भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर उस 5 मिनट के भीतर भी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, इस तरीके से समय के कैलकुलेशन को दिया गया है और उस सेकेंड के भीतर भी हम 20वें हिस्से तक एक्यूरेसी के साथ समय को कैलकुलेट कर सकते हैं। छाया जहां पर गिरती है उसी छाया के हिसाब से हम समय को कैलकुलेट करते हैं। जैसे छाया यहां पर जाके गिर रही है तो जो भी यहां पर कैलकुलेशन बनेगा उसमें भारतीय स्टैंडर्ड टाइम का डिफरेंस, जो भी एडिशनल हमें ऐड करना होता है, जैसे आज 35 मिनट हमें ऐड करना है, तो स्टैंडर्ड जो भारतीय समय होगा उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे अभी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इस समय दोपहर के 12 बजे के बाद का समय है, तो 12 बजे से आगे हम बढ़ रहे हैं, तो ये है 12 बज के 15 मिनट, 15 मिनट के बाद 30 मिनट, 30 मिनट के बाद यहाँ यह 31 मिनट के आसपास का समय है, तो 12 बजकर के 31 मिनट जयपुर का समय है और इसमें हम 35 मिनट और ऐड करेंगे तो यानी 1 बजकर के 6 मिनट इस समय भारतीय समय होना चाहिए। और देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जूम करके आप इन्हें दिखाएं, ये देखिए 1 बजकर के 6 मिनट इस समय का समय है, थोड़ा और जूम करें आप, 1 बजकर 6 मिनट वर्तमान समय में है। तो भारत का जो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन रहा है वो इतना एक्यूरेट
जर्सी के साथ रहा है। इस समय हम आज के 300 साल पहले बनाए गए कंपास के पास में हैं। इसका नाम है ध्रुव दर्शक पट्टिका। यह वेधशाला के अन्य सभी यंत्रों की तुलना में सबसे सरल यंत्र है। हम जानते हैं कि यहाँ पर हम एक पोजीशन पर ध्रुव तारा की पोजीशन को देख सकते हैं। हम जानते हैं ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है, तो उत्तर दिशा में यहाँ से जब हम रात में देखते हैं तो जो पोजीशन बनती है वो ध्रुव तारा की बनती है। यह एक ऐसा जगह है जो कि पट्टिका के ऊपरी तल पर ध्रुव तारा की ओर इंगित करता हुआ है। यहाँ ध्रुव तारा स्थित है, इसी आधार पर इसका नाम ध्रुव दर्शक रखा गया है। यहाँ इंक्लिनेशन 27 डिग्री के कोण पर बनाया गया है। ध्रुव दर्शक पट्टिका के लेवल पर जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि ध्रुव तारे की पोजीशन कभी भी बदलती नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम नीचे से जब देखने की कोशिश करते हैं तो ध्रुव तारा की पोजीशन को देख सकते हैं। यह है यंत्रराज। काफी कॉम्प्लेक्स इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इसको सामान्य तौर पर हम सामान्य भाषा में कहें तो यह बच्चों की जन्मपत्री को बनाने में मदद करता था। इसके द्वारा कुछ एक खगोलीय कैलकुलेशन के समय हम तारों की पोजीशन को देखने की कोशिश करते थे और इसमें इस अष्ट धातु की बनी हुई इस चंद्राकार इस डिवाइस पर ग्रहों के अक्षांश और उसके कैलकुलेशन की मदद से हम बच्चों की जन्मपत्री बना सकते हैं। यह है सौर मंडल का मॉडल जिसमें हम सूर्य और उसके चारों चक्कर लगाने वाले 9 ग्रहों को देख सकते हैं। पृथ्वी अपनी परिक्रमा 360 दिनों में पूरी करती है और उसी की वजह से ऋतुएं बनती हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। इसके अलावा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27.3 दिन में पूरा करता है। यह भी है नाड़ी वलय यंत्र। इसमें हम देखते हैं इसको कुछ इस तरीके से बनाया गया था जिसके द्वारा हम समय को देख सकें। यह 2 तरीके के सर्कुलर पत्थरों से बनाई गई आकृति है जिसमें आधा हिस्सा इस समय का है और आप इस ओर देखें तो इस समय देख सकते हैं सूर्य की रोशनी पड़ती है और बीच में आप जूम करें यहाँ पर आपको एक खंभा दिख रहा है, एक लोहे की कील दिख रही है, आप पास में ले जाकर देखें और उसका शैडो जहाँ पर पड़ता है, शैडो को अगर हम कैलकुलेट करें तो जिस तरीके से इससे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था उसी तरीके से नीचे की ओर आप जाएं, नीचे की ओर लेकर के जाएं और फिर आप तो यहाँ पर जयपुर का भी लोकल स्टैंडर्ड टाइम लोकल जो करीब करीब 1 बजे को टच करने वाला है और इसमें हम 35 मिनट और ऐड कर देंगे तो भारतीय स्टैंडर्ड समय आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस टाइम पीरियड में यहाँ पर 1 बजे के करीब वो टच कर रहा था, अभी 1 बजे को पूरी तरीके से टच नहीं कर रहा था, उसमें 35 मिनट और ऐड करना था यानी इस समय 1:25 हो रहे हैं। तो भारतीय जो स्टैंडर्ड समय है वो इलाहाबाद को लेकर के किया गया है। आप देख सकते हैं सूर्य की और खगोलीय जो जो हमारा अर्थ और सन के बीच के संबंध है उसके आधार पर इसे डेवलप किया गया था और इसमें कितना शानदार कैलकुलेशन रखा गया इसके आर्किटेक्चर को बनाते समय कि आप देख सकते हैं 27 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड ये बनाया गया गोलाकार आकृति भारतीयों को सही समय बताने की मदद करता है। हम जानते हैं सन की पोजीशन लगातार बदलती रहती है, इस समय यहाँ पर कोई रोशनी सन की नहीं पड़ रही क्योंकि इधर की रोशनी इसके दूसरे हिस्से में जो सन की रोशनी पड़ती है वो गर्मी के दिनों में पड़ती है, जबकि दूसरे हिस्से में जहां पर अभी हम कैलकुलेशन कर रहे थे उधर सन की रोशनी थी क्योंकि सन का 6 महीने का जो रोटेशन है उसको देखते हुए इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि सन की रोशनी 6 महीने एक साइड में पड़ती है, दूसरे साइड में 6 महीने पड़ती है और अक्षांशों को एक साथ बारीकियत से कैलकुलेट करते हुए इसे बनाया गया था। इसका नाम है नाड़ी वलय उत्तर गोल। ये एक शानदार सा इंस्ट्रूमेंट जो समय को आज भी एक्यूरेटली कैलकुलेट करने में मदद करता है। जंतर मंतर में यह है जयप्रकाश यंत्र। यह कटोरे की आकार का बनाया गया दो ऐसे खांचों का बनाया गया आकृति है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री आप यहाँ पर जो खांचे देख रहे हैं जो गहराइयां देख रहे हैं उसी को भरता हुआ
दूसरे दिशा में आपको उभार नजर आएगा। इस पर बारीकियत से कैलकुलेशन किया गया है और इसमें सूर्य की परछाइयों को देखते हुए एग्जैक्टली एक बच्चा जो जन्म लेता है वो किस ग्रह नक्षत्र और किस तरीके के सूर्य की दशाओं और ग्रहों की दशाओं के बीच उसका जन्म होता है उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। यह है राशि वाले, अलग अलग राशियों को यहाँ पर दर्शाया गया। जैसे ये है मीन राशि का के लिए बनाया गया यंत्रालय राशि के कैलकुलेशन के लिए। कॉम्प्लेक्स ज्योतिष से संबंधित इस तरीके के राशि वाले बनाए गए हैं। किसी खास राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति किसी बच्चे का एक्जेक्ट लग्न और उससे उसकी जो भविष्यवाणी हो सकती है उसको यहाँ पर सूर्य की छाया की मदद से देखा जा सकता है। काफी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए बस इतने से बताने की कोशिश की गई कि हमारा जो जीवन है आप दूर से इसे दिखाएं, जूम आउट करके आप इधर ये जितने भी हैं ये भारतीय ज्योतिष शास्त्र में जो 12 हमें हमारे ग्रह नक्षत्र हैं उन सभी को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। हर एक ग्रह नक्षत्र और उसमें जन्म लेने वाले बच्चे, जैसे इस समय जयपुर के लोकल स्टैंडर्ड टाइम में जन्म लेने वाले बच्चे का जो भी उसका राशि होगी उसके आधार पर जो सन की छाया पड़ रही होगी उसको हम कैलकुलेट करते हुए किस तरीके का उसका भविष्य होगा उसकी भविष्यवाणी और जन्मपत्री तैयार कर सकते हैं।